माय लॉर्ड, ये पेपर इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, क्योंकि इस पर उस नर्सिंग होम का नाम है जहां पर झनक रैना पैदा हुई थी, और यहां पर उस डॉक्टर के सिग्नेचर भी है जिसने वो डिलीवरी की, लेकिन पिता के नाम पर ब्रिजभूषण जी के साइन। अब मैं उस इंसान को बुलाना चाहूंगा जो उस वक्त उस नर्सिंग होम के इंचार्ज थे, और उनका नाम है डॉक्टर रणबीर सोलंकी। डॉक्टर रणबीर सोलंकी, क्या ये आपके सिग्नेचर्स? जी मेरे जी। जी पूछिए, बताइए आपका प्रोफेशन क्या है? जी मैं पेशेंट से डॉक्टर। अच्छा, अब बात बताइए, क्या शशि मुखर्जी नाम की पेशेंट को आपने ट्रीट किया था? ये बात लगभग 21-22 साल पहले की बात है। जी सृष्टि मुखर्जी नहीं, सृष्टि रैना। माय लॉर्ड, ये डॉक्यूमेंट इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उस वक्त सृष्टि मुखर्जी की शादी विनायक मुखर्जी से हो चुकी थी, लेकिन वो उनका सरनेम इस सीक्रेट डिलीवरी के लिए यूज नहीं कर सकती थी, इसीलिए उन्होंने इस डिलीवरी के लिए अपने शादी से पहले का नाम यूज किया, जो कि है सृष्टि रैना। सब पूछते हैं, बात बताइए, आप तब कहां काम करते? शिफ्ट उसी नर्सिंग होम में। अच्छा, क्या आपके पास कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ है जो आप वहां 21 के साल से काम कर रहे हैं, उससे प्रूफ हो जाए? और सृष्टि रैना आपके नर्सिंग होम में थी, ये कोई प्रूफ है आपके पास? जी जस सर, इन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था, इसलिए मैं ये फाइल अपने साथ लेकर आया हूँ। सृष्टि रैना 21 साल पहले हमारे नर्सिंग होम में एडमिट थी, उसका सबूत है हमारे पास। ये फॉर्म है, एडमिशन फॉर्म है, इस पे पंडित ब्रिजभूषण जी के साइन है, और ये जब हमने सृष्टि रैना को डिस्चार्ज किया था उसकी रिसिप्ट भी है।